छत्तीसगढ़ के इतिहास से कुछ 30 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम, जैसे हॉस्टल वार्डन लेबर इंस्पेक्टर की क्लास चल रही है, हॉस्टल वार्डन की क्लास चल रही है जिसका 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है लेबर इंस्पेक्टर भर्ती का, यानी कि सहायक श्रम पद अधिकारी का, जिसका 24 जून को एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास मात्र 20 दिन बचा हुआ है। तो बिल्कुल तैयारी करते जाइएगा। देखिए, मैं कंप्यूटर की क्लास, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास, भारत के सामान्य ज्ञान की क्लास में करा चुका हूँ। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से बिल्कुल फ्री क्लास कराया जा रहा है। आपको तैयारी ही करना है तो जल्दी से जाइएगा, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जो बच्चे यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से जाइएगा, फटाफट लाइक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, यह जो छत्तीसगढ़ की क्लास है, प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से, आधुनिक इतिहास से बिल्कुल 30 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, बिल्कुल मिक्सिंग क्लास है ना, जो आपके व्यापम और पीएससी में ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी पार्ट टू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम पार्ट टू वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो आज की पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 बजे की क्लास है, दोपहर 2 बजे का, ठीक है। तो चलिए, ये जो मैं क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा था, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, जाके आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर डी सभी लोगों ने दिया था। तो क्वेश्चन कहता है कि छिंदक बस्तर के जो छिंदक नागवंशी नरेश हैं, कलचुरी राजा जाजल देव प्रथम ने प्रजात किया था। ये आपका आ जाएगा सोमेश्वर देव, बिल्कुल सही है, बहुत लोगों ने आंसर दिया था। तो चलिए, आप लोग अब सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग अब यहाँ पर टारगेट स्टार्ट करते हैं, टोटल 30 एमसीक्यू का, जिसमें आप लोगों को आंसर देना अनिवार्य है। तो 15 अगस्त 1947 को याद रखना, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज, 30 एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे आपके एग्जाम में पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था, ये आपके इतिहास से प्रश्न है, छत्तीसगढ़ इतिहास से प्रश्न है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, दूसरा है पंडित लक्ष्मी नारायण दास, तीसरा है वामन राव लाखे, और चौथा है शिवदास डागा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जितने भी लोग हमारे चैनल पर यानी कि वीडियो की क्लास देख रहे हैं इतिहास से, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, कम से कम 20 से 22 दिन बचा हुआ है आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करना है, रिवाइज़ करना है, तो बिल्कुल रिवाइज़ करते जाइएगा। कौन सा इसका आंसर होगा आप कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर वीडियो में अगर एक बार में आपको याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो दोबारा से आपको कुछ ना कुछ कवर हो ही जाएगा, रिवाइज हो ही जाएगा। अगर 1 से 2 बार वीडियो को देख लिए और कंफर्म हो गया तो आप तीसरा बार वीडियो देखिएगा और अपने आप से यानी खुद से रिवाइज करते चलिएगा, इसका आंसर ये होगा ये होगा। अगर वीडियो में डेली अगर क्लास करते हो, वीडियो को 1 से 2 बार वीडियो को देखते रहते हो, तो बिल्कुल आपका तो कंटिन्यू क्लास कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद हो जाएगा, तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, वामन राव लाखे। तो कितने लोगों का आंसर आया है और नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करने चलिए। तीसरा है आपका, देखिए पूरा मैं इसको डिटेल समझा देता हूँ। जो 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा पंडित वामन राव लाखे ने फहराया था, छत्तीसगढ़ अंचल में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, वो आपका वामन राव लाखे ने। चलिए, आप इन लोगों का आप कमेंट करके बताएं कि 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया है, आपके व्यापम एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1920 में बीएनसी मिल मजदूर का हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया है, आंसर ए घनश्याम सिंह गुप्त, आंसर बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आंसर सी पंडित रविशंकर शुक्ला, आंसर डी ई राघवेंद्र राव। हाँ जी दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक के साथ, जितने भी प्रिंटर वगैरह से पूछे गए थे, मल्टीमीडिया से प्रश्न पूछे थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर कंप्यूटर की क्लास अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ पर कंप्यूटर की क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनका आंसर कौन सा होगा, तीसरा का बिल्कुल बी होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो देखिए जो ठाकुर पैलेस है यह आपका कितने दिनों तक चला था, बिल्कुल 37 दिनों तक यह हड़ताल चली थी, जो आपको आंदोलन के इतिहास देश के सबसे लंबी और सफल हड़ताल मानी जाती है, जो कि बिल मजदूर यानी कि BNC बिल मजदूर आंदोलन जो है आपका 1920 में हुआ था। कितने दिनों तक चला था? 37 दिनों तक। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है आपका कि BNC मिल जो मजदूर है 1920 में जो चला था वो कितने दिनों तक चला था, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और भी वीडियो अगर चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर आपका Part 2 वीडियो ज़रूर लेकर आएँ। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? तो आप सभी को मालूम होगा, आंसर सी होगा, 1913 में, ठीक है। 1913 में पंडित जो वामन राव लाखे हैं सहकारिता के सूत्रधार, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सहकारिता के सूत्रधार कौन है, तो आप बताएंगे पंडित वामन राव लाखे जी हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी, एक मिनट ना, कलचुरी और मराठा की जो प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त किसे हुआ है? आंसर ए राजिम, आंसर बी आरंग, या आंसर सी रतनपुर, आंसर डी सिरपुर। तो देखिए कभी भी एग्ज़ाम में आपको कलचुरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, कलचुरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, वो आपका रिलेटेड रहेगा रतनपुर से, रतनपुर से, ठीक है। तो आपके आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। आरंभिक राजधानी, इसको डिटेल से मैं बता रहा हूँ, जो कलचुरियों की मराठों की प्राचीन राजधानी आपको गौरा और रतनपुर को प्राप्त है, जबकि कलचुरी की आरंभिक राजधानी तुम्मार थी। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कलचुरी की आरंभिक राजधानी क्या थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तुम्मार, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कंचना धुरवा जो है किस जमींदारी के अंतर्गत है? जो कंचना धुरवा है, आंसर ए खोजी, आंसर बी पानाबरस, आंसर सी फिंगेश्वर, या आंसर डी बिंद्रन नमगढ़। तो देखिए इनका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, बिंद्रन नमगढ़। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा है, मैं तो बता दिया हूँ आंसर डी होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बिल्कुल लेबर इंस्पेक्टर और हॉस्टल वार्डन की क्लास बिल्कुल समय में कराई जा रही है। समय आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, समय डेली आपको कराया जा रहा है, रात 7:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास रहती है, सुबह आपका कंप्यूटर की क्लास रही थी उसको चेंज कर दिया गया है। जितने भी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ ये 7:30 से 9:30, और टाइम आपका 2 बजे, ठीक है, 2 बजे बिल्कुल क्लास चल रही है, आज दोपहर 2 बजे की क्लास है बिल्कुल। हाँ बाकी क्लास नहीं करा रहा मैं, इंग्लिश हिंदी और करेंट अफेयर की क्लास आप लोग कोई भी वीडियो से देख सकते हो, मैं नहीं करा पाऊँगा, ठीक है, मेरे पास उतना समय नहीं है, ठीक है। चलिए एक और बात कहना चाहूँगा आपको, अगर अपने इच्छा से, अपने इच्छा से या स्वेच्छा से अगर आप मुझे कुछ राशि देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बार कोड दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर या फिर UPI नंबर पर आप लोग जो भी राशि देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो दे सकते हैं, ठीक है। मैं अपना कोई फीस नहीं लेना चाहता, बिल्कुल फ्री क्लास है, लेकिन आप लोग इच्छा है अगर आप लोग मुझे कुछ राशि देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बार कोड दिखाई दे रहा होगा, उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप लोग गूगल पे या फोन पे के माध्यम से बिल्कुल जो भी राशि देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार अगर आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास कराएंगे 7:30 को ना, हाँ टोटल आज हम 30 MCQ प्रश्न देखेंगे। तो किस काकती नरेश के समय, तो ये आपका आंसर सी होगा दरियादेव, जो कि 1780 में भोसलों के दिन करद राज्य बन गया था, ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी को देखते हैं, जो कि संघर्ष के राजकीय नरेश परेश जो हुआ था राजवंशी नरेश, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 8वां का आपका हो जाएगा डी, काकती नरेश अन्नम देव के साथ जो प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष हुआ था, ठीक है।
नौवां प्रश्न है आपका कि छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ है। तो देखिए जंगल सत्याग्रह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में पीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसमें, जैसे कि एसआई एग्ज़ाम, उसमें यहाँ पर जंगल सत्याग्रह से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं उसी के लिए इसीलिए मैं आपको डेली क्लास करा रहा हूँ जो आपके विगत वर्षों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, उत्तर सी, ठीक है। 1905 में बस्तर के छिंदक नागवंशी के प्रथम राजा का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। दसवां का आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल नीपति भूषण, नहीं सोमेश्वर देव नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल गलत होगा सोमेश्वर देव। क्या पूछा, छिंदक नागवंशी राजा के प्रथम राजा का नाम पूछा गया, ना कि उसको हराया पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछे छिंदक के नागवंशी राजा कौन है, छिंदक वन के नागवंशी राजा सोमेश्वर देव है, ठीक है, जिसको नीपति भूषण आएगा, प्रथम राजा पूछा गया है, आंसर ए होगा। देखिए मैं डिटेल बता रहा हूँ, को याद रखना, बस्तर की जो छिंदक नागवंशी राजा प्रथम नीपति भूषण था, इस वंश की जो राजधानी थी भोगवती पुरी थी, कौन सी, भोगवती, याद रखना, ठीक है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक स्टूडेंट को यह जो वीडियो लाया हूँ वो लाभ मिल सके, ठीक है। ऐसे ही वीडियो अगर आपको पाना है, ऐसे डेली करना है, तो बिल्कुल डेली क्लास करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां है 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम और पीएससी में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा कि 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल में सामने ही छत्तीसगढ़ के वीर नायक ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी। तो इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, शहीद गेंद सिंह, जो कि परलकोट 1825, याद रखना ना। देखिए विद्रोह वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कल हम क्लास में देखेंगे, पार्ट टू वीडियो में आपका रहेगा विद्रोह वगैरह से, जनजाति वगैरह से क्वेश्चन देखेंगे और विद्रोह से जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल अगर इंतजार करना है तो इंतजार कीजिएगा, कल हम इतना ही टाइम लाएंगे 2 बजे की क्लास में, ठीक है। तो कौन सी क्लास रहेगी, कल पार्ट टू वीडियो की क्लास रहेगी, जिस पे जनजाति वगैरह से क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद विद्रोह वगैरह से क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से आपका 3 से 4 नंबर प्रश्न आता है जनजाति और विद्रोह से, ठीक है। मड़वा महल एवं भोरामदेव किस वंश की कला के नमूने हैं, जो आपको मड़वा महल, मड़वा नहीं ना, मंडवा महल, फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमेश्वर या बाण वंश। तो इसका आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ए, फणी नागवंश से संबंधित है, है ना। अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो बिल्कुल आंसर ए लिख लीजिएगा, फणी नागवंश। एक बार में याद नहीं हो तो वीडियो को 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा एक ही बार देखो, बार बार देखो, याद करो, याद होना चाहिए आप लोग का। और मड़वा महल को दुल्हा देव भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। मड़वा जो महल आपका दुल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मड़वा महल को किस नाम से जाना जाता है, दुल्हा देव, ठीक है। वर्ष 1910 के महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न है, भूमकाल के पूछा गया है, तो 13 का आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल सिंह, कालेंद्र सिंह है जो भूमकाल सूत्रधार थे। अब देखिए सूत्रधार वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूत्रधार वगैरह से, हाँ कल पूरा हम कंप्लीट कराएंगे, पार्ट टू वीडियो मेगा एपिसोड रहने वाला है, ठीक है, वीडियो कल देखना जरूर, भूलना मत, कल दोपहर 2 बजे लाएंगे फिर। हाँ देखिए ध्यान से, वर्ष 1910 के जो महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कालेंद्र सिंह थे, यह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था, ठीक है। चलिए आप लोग इसका बताइए कि मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के संपर्क में अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, परगना का प्रमुख अधिकारी क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कमविजदार, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। डाक ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी 1858, 18 जनवरी 1858। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब देखिए डॉक्टर नहीं है ना, ठाकुर हनुमान सिंह, जब मान लीजिए ठाकुर हनुमान सिंह ने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था, याद करने का सबसे आसान तरीका है, कभी भी भारतीय सिपाहियों के साथ विद्रोह किया वाला बात है ना, तो 1858 ही रहेगा। लेकिन जनवरी 1817 के बाद क्या आता है, 17 के बाद आपका आता है 18। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था, 18 जनवरी 1858 को। कैसे याद करने का तरीका देखिए, 18 जनवरी 1858 कैसा याद हुआ, एक मिनट, 18 जनवरी 1858 याद करने का सबसे आसान तरीका है। 17 के बाद क्या आता है, 18 जनवरी भी शुरू में रहेगा फर्स्ट, उसके बाद 18, ठीक है, 1858 बिल्कुल सही है ना। और देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 1858 में किस विद्रोह करने के बाद इन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सिपाहियों ने कब इसको मतलब विद्रोह किया था, 18 जनवरी 1858 को, जबकि सिडवेल की हत्या किसने की थी, तो सिडवेल की हत्या ठाकुर हनुमान सिंह ने की थी। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। 16वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध सोना खान जमींदार किस तरह से, सोना खान से आप जान लोगों की आपको बलौदा बाजार जिला में, आंसर सी। दक्षिण कौशल के ये भी आंसर, इसको उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी होगा छिंदक नागवंश। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, अभी मैं आपको बताया भूमकाल विद्रोह 1910, याद रखना भूमकाल का मतलब होता है 1910। 18वां क्वेश्चन का आंसर ए होगा, अभी आपको बताया हूँ। इसके सूत्रधार कौन है, तो कालेंद्र सिंह, ठीक है, कालेंद्र सिंह है, कौन सा है आप लोग कमेंट कर बताइए इसका सूत्रधार कौन है। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था, और इसके सूत्रधारक या जो भी है कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया था, तो चौराहों का शहर किसने बनाया था, आपका बी रुद्र प्रताप देव ने। हाँ आंसर बताएं, कमेंट करिए ना प्लीज, यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको, रिवाइज एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चलिए फटाफट। हाँ, बिलास के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने नरेश को स्थापित किया था, नल वंश, याद रखना बिलासपुर में जो सोमवंशी शासक ना पराजित कर नल वंश को स्थापित किया था। 21 क्वेश्चन है आपका कि प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त होता है, कभी भी सरगुजा पूछेगा, सरगुजा मतलब याद रखने तरीका क्या है, सीता, सरगुजा सीता गुफा, कौन सा गुफा, सर से सीता, सर से जो सर से सीता बी। अब देखिए मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, इसको याद रखना कि विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला अवशेष सरगुजा जिले के सीता गुफा से प्राप्त हुआ, ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ रुके थे, जिससे इस गुफा का नाम सीता बेगरा पड़ा। तो भोसले शासन का कार्यकाल है आपका बी 1758 से 1787। चलिए 23वां है आपका, 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सामित्र मंडल, ये सनित्र नहीं है ना, सामित्र मंडल है, जो किस संस्थापक किया था, उसका उद्देश्य क्या है, तो आपका आ जाएगा ए समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, आपके व्यापम में पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था, आंसर कौन सा होगा 24 का, कैप्टन मार्क्सन। चलिए रायपुर जिला का राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, 21, 22, 23, 20 कब हुआ था मई में, रायपुर जिला का 1922 में मई में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नगर की तुलना कुबेर की संघेश की गई है, क्या आएगा, रतनपुर,
चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी बिलासपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई। शिक्षा, ये तो आपका भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, है ना। 1913 में एक और चीज़ हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताए ना, कमेंट ना करें ना, बिल्कुल कमेंट ना करें। 1911-1912 क्या आएगा? 28 का कमेंट ना करें ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्लॉकेट कर दूंगा यहाँ पर। जब मैं कमेंट बॉक्स में कर रहा हूँ, व्हाट्सअप में नहीं करना है। आंसर होगा इसका 28 का ए। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री युवान चुआंग है ना, ये ह्वेनसांग नहीं है, युवान चुआंग छत्तीसगढ़ की राजवंश के समय आता। ए बी सी डी क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सी है, पांडु राजवंश। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदर साय के जमींदार थे। तो सुरेंद्र साय के जमींदार थे आपका 30 का संबलपुर। ठीक है, आंसर बी होगा। आप सभी के लिए मैं डिटेल बता रहा हूँ, उसके बाद आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, ये आपको आंसर देना है। देखिए, चलिए 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी गई थी? सेंट्रल जेल, जय स्तंभ चौक, मानव विमानतल या लौटिया चौराहा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए सभी का क्वेश्चन ना, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट ना करें ना। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के कौन से स्थान पर फांसी दी गई थी? सेंट्रल जेल, जय स्तंभ चौक, मानव विमानतल या लौटिया चौराहा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी के सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, हम बिल्कुल 2 बजे की क्लास रहती है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास आपको 2 बजे रहेगी, बिल्कुल 2 से 3 बजे के बीच में, बिल्कुल याद रखना 2 से 3 बजे के बीच में आपकी क्लासेस रहेगी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। पार्ट टू वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा कि पार्ट टू वीडियो चाहिए सर। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।